नमस्कार, मैं सोनालिका आजाद जुबली पोस्ट के खास शो बिग न्यूज लेकर फिर से हाजिर हूँ। इसमें हम बात करते हैं देश भर की बड़ी खबरों के बारे में। सबसे पहली बात करते हैं नवीन पटनायक पांचवी बार उड़ीसा के मुख्यमंत्री पद के लिए शपथ ली। उनके साथ 11 कैबिनेट मंत्री, 9 राज्य मंत्रियों ने भी पद और गोपनीयता की शपथ ली। इस बार नवीन पटनायक के कैबिनेट में 10 नए चेहरे शामिल हैं। आपको बता दें, नवीन पटनायक 5 मार्च 2000 से उड़ीसा के मुख्यमंत्री बने हुए हैं। लोकसभा चुनाव में महाजीत हासिल करने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी फिर से एक बार 30 मई को प्रधानमंत्री पद के लिए शपथ लेने जा रहे हैं। शपथ ग्रहण समारोह की लगभग सारी तैयारियां हो चुकी हैं। इस बार के शपथ ग्रहण समारोह में बिम्सटेक देशों को भी बुलाया गया है। सूत्रों के अनुसार राष्ट्रपति भवन में होने वाले इस कार्यक्रम में लगभग 6500 मेहमान शामिल हो सकते हैं। NIX मीडिया हेराफेरी मामले में के पी चिदंबरम के बेटे कीर्ति चिदंबरम की अर्जी को सुप्रीम कोर्ट ने खारिज करते हुए कहा है कि कीर्ति को विदेश यात्रा जाने के लिए 10 करोड़ रुपए जमा करने होंगे। दरअसल कीर्ति ने विदेश यात्रा के लिए शर्त के तौर पर जमा किए जाने वाले 10 करोड़ रुपए को वापस देने का अनुरोध किया था, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कीर्ति को आदेश देते हुए कहा कि विदेश यात्रा के लिए उनको 10 करोड़ रुपए जमा कर। चुनावी नतीजे आने के बाद दोबारा सत्ता संभालने जा रहे पीएम नरेंद्र मोदी शपथ ग्रहण समारोह के बाद पहली अंतर्राष्ट्रीय यात्रा के तहत किर्गिस्तान जाएंगे, जहां पीएम मोदी 14 और 15 जून को होने वाले सिंगई को ऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन समिट का हिस्सा लेंगे। इस सम्मेलन में वह चीन के राष्ट्रपति और रूस के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक करेंगे। इस सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान भी आ रहे हैं। हालांकि आधिकारिक सूत्रों का कहना है कि पीएम इमरान खान से मुलाकात का अभी कोई इरादा नहीं है। टीम इंडिया ने वर्ल्ड कप के लिए अपना दूसरा अभ्यास मैच बांग्लादेश को 95 रन से हरा दिया। टीम इंडिया ने 7 विकेट खोकर 359 रनों का विशाल स्कोर खड़ा किया था, जिसके बाद 264 रन बनाकर बांग्लादेश की टीम ढेर हो गई। टीम इंडिया के लिए MS धोनी और KL राहुल ने शानदार शतक जताया। आपको बता दें कि टीम इंडिया का 5 जून को साउथ अफ्रीका के खिलाफ पहला मैच होगा।